greetings everyone welcome to study smartwala today we are going to start off with the next chapter that is end of bipolarity class 12 pole signs okay so let's begin with this chapter chapter is end to bipolarity so what do you mean by bipolarity in my previous video also have discussed in my chapter number one ओके okay, बायपोलरिटी मतलब क्या होता है एग्जिस्टेंस टू सुपर पावर्स एज टू अपोजिट पोल्स दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर मतलब इसमें हम अपोजिटरिटी में क्या पढ़ रहे हैं कि जो टू सुपर पावर्स का प्रिवेल करना और एज ए टू अपोजिट पोल्स मतलब उनकी खुद की डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ रहना तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में द कोल्ड वॉर एरा के अंदर कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थी ठीक है और कैसे वो कंपीट करती थी अब आती है बात कि एंड टू बायपोलैरिटी मतलब कि कहीं ना कहीं इन दोनों सुपर पावर्स में से कुछ ना कुछ ऐसा है कि बायपोलैरिटी का एंड हो रहा है तो बायपोलैरिटी का एंड कब होगा देखो नेक्स्ट सुनिए बायपोलैरिटी इज कन्वर्टेड इंटू अ यूनिपोलैरिटी अब क्यों ऐसा रह? या तो ऐसा होगा कि यूएसए के साथ यूएसएसआर मर्ज कर दिया या फिर ऐसा होगा कि यूएसएसआर डिस हो गया तो ये सेकेंड वाली कंडीशन हुई थी कि यूएसएसआर क्या हुआ था डिस कर गया था और सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी दैट इज यूएसए देखो बाय डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन दैट इज यूएसएसआर यूएसएसआर क्या हुआ था हमारा डिस हो गया था तो सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी जो थी यूएसए तो इसीलिए कहा गया है बाइपोलैरिटी का एंड होकर क्या एस्टेब्लिश हुई यूनिपोलैरिटी ठीक है अब चलते आगे देखिए अब ये कैसे आपके बुक में सबसे पहले है कि बर्लिन वॉल के बारे में मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी फर्स्ट इंसिडेंट दैट मार्क द इनिशिएशन ऑफ यूनिपोलर सिस्टम अब हम कैसे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसा आया कि हमें पता मतलब यूनिपोलर सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया है जब यूएसएसआर डिस किया लेकिन पहला जो था इंसिडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक्स में भी है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल बर्लिन जर्मनी में ठीक है नाइनटीन में क्या हुआ था ये बर्लिन वॉल बनाई गई थी क्यूँ बनाई गई थी बर्लिन के अंदर बनाई गई थी और बर्लिन को ऐसे डिवाइड कर दिया था वेस्ट बर्लिन एंड ईस्ट बर्लिन में क्यों डिवाइड किया था वेस्ट और ईस्ट में क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो डिफरेंट थी एज पर द आइडियोलॉजीज ऑफ यूएसएसआर एंड यूएस ठीक है आपको पता ही है कि यूएस कौन सी यूएसए कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था कम्युनिज्म तो ये भी इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से बर्लिन वॉल बनाई गई थी जो ईस्ट बर्लिन था वो फॉलो करता था कम्युनिज्म ठीक है और जो वेस्ट था वो फॉलो करता था कैपिटलिज्म जिसकी वजह से वॉल बनाई गई थी लेकिन जब ये बायपोलैरिटी से यूनिपोलर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ मतलब कि जब यूएसएसआर डिस किया तब क्या हुआ था जो बर्लिन था वो वो वॉल टूट गई थी गेर दी गई थी और यूनिफाइड बर्लिन बना दिया गया था जिससे अब ये पता लगा था कि सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड मैंने बताया था आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि फर्स्ट वर्ल्ड हमने किसको बोला गया है यूएसए को सेकंड वर्ल्ड किसको बोला गया है uh, जो यूएसएसआर और उनकी जो भी अलायसेज uh, थे और थर्ड किसको बोला गया है लीज डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को तो हमने देखा कि कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड जो है अब उसका अंत हो गया है यूएसएसआर अब एंड हो गया है तो ये uh, ये हमने पढ़ा इसमें अब आगे चलेंगे

पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर क्या था वो ज़्यादातर कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे उस टाइम पे कार्ल मार्क्स और मेर लेनिन उन्होंने जो पॉलिसीज दी थी उन्हीं के पीछे रेवोल्यूशन हुआ था बाद में कि हमें अडॉप्ट करनी है इसीलिए बाद में जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वो कम्युनिज्म पे बेस्ड था ठीक है और कम्युनिज्म पे आपको तो याद होगा मैंने पहले भी बताया है कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म है उसमें क्या क्या होता है हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमी controlled by state, by state. हमने ये भी पढ़ा था कि पूरी इकोनॉमी कौन देखता है स्टेट देखती है फिर हमने पढ़ा था यहां पर सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस होता है ठीक है ज्यादातर मैंने मेन मेन अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक कंट्रोल स्टेट करती है वन पार्टी डोमिनेंस होता है इधर ये नहीं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है इलेक्शंस कर रहे हो आप ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो वन पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पर जो पार्टी थी वो क्या थी कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी थी कम्युनिस्ट पार्टी और मैंने और आपको क्या बताया कब कब बना था यूएसएसआर रशियन रेवोल्यूशन नाइनटीन फिर फिर वार्सोपैक्ट की बात करते हैं मैंने वार्सो पैक भी आपको बताया था म्यूचुअल असिस्टेंस होता है म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस जब भी प्रॉब्लम आएंगे हम

अब देखिए इकोनॉमिक फीचर्स पर चलते हैं कि इसके इकोनॉमिक फीचर्स क्या है किसके जो हमारी इकोनॉमी है यूएसएसआर की ठीक है हम ये इकोनॉमिक फीचर्स पढ़ रहे हैं अभी हम यूएसएसआर के बारे में ही पढ़ रहे हैं अब हम यूएसएसआर के बारे में ही पढ़ रहे हैं ठीक है डेवलप ये बहुत ही डेवलप था लेकिन यूएसए से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट यूएसए ठीक है यूएसए से ज्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स कॉम्युनिकेशन नेटवर्क था इधर नेटवर्क uh, कैसा था कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स था उनके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे ऑयल आयरन मशीनरी एवरीथिंग एक्सेट्रा ठीक है गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था रिमोट एरियाज तक वो जा पाते थे डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करें तो दैट प्रोड्यूसड एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार मतलब इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटी चीज बनती थी और बड़ी से बड़ी मतलब कि सारी चीजें अवेलेबल होती थी ठीक है, बट क्वालिटी डिड नॉट मैच विद यूएसए लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती थी अगर हम प्रोडक्ट देखे क्वालिटी वाइज देखें तो इतना अच्छा नहीं होता था जितना यूएसए के पास होता था मतलब इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी अच्छी यूएसए के पास थी उसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे यूएसए के होते थे कंपेरेटिवली ठीक है अब देखिए इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो uh, जो भी होता था यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी मैंने आपको पहले भी बताया इधर गवर्नमेंट थी इधर क्या था सोशल कम्युनिज्म था इधर क्या था कम्युनिज्म अगर कम्युनिज्म है तो गवर्नमेंट हमेशा ये देखती थी जो पार्टी थी वो हमेशा जो रूल कर रही थी वो हमेशा देखती थी बेसिक जो नीड्स है बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो अब बेसिक नीड्स में सब आ जाता है फुलफिल हो बेसिक नीड्स में food, shelter, education, ठीक है एक्सेट्रा तो बेसिकली क्या था ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि यहाँ पर कोई ये नहीं बोलते थे बिल्कुल ही गरीब है सबके पास जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता था सभी के पास होता था क्योंकि गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करवाती थी इस पे नो no अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था क्योंकि इधर क्या स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ये देखती थी कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो मतलब सारा का सारा कोई भी ऐसा ना हो कि जिनकी बेसिक नीड्स पूरी ना हो सके स्टेट ओनरशिप ये हमने ही लिया सभी जगह पर स्टेट ओनरशिप थी तो बेसिकली क्या ये सब चीजों से हमें लग रहा है दैट यूएसएसआर Was following Ideological Ideal Ideal Policy. बट नाउ वी विल सी कि इसका एक फेज हमने देख लिया हमने देखा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुई जो uh, मतलब ये अभी तक हमने देखा कि लोगों के साथ कितना अच्छा मतलब हमने अच्छे अच्छे पॉइंट देखे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है स्टेट ओनरशिप नहीं है ऐसा क्या था कि फिर यूएसएसआर डिस इंटीग्रेट किया था अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर डिस चलिए फिर आगे चलते हैं टॉपिक पे देखिए सोशलिस्ट ब्लॉक सिस्टम ठीक है अब हम देखेंगे उसमें ऐसा क्या सिस्टम में क्या था कि जो लोग ये जो हमने फीचर्स पढ़े उनको देखते हुए भी लोग जो थे वो खुश नहीं थे क्या था ऐसा अब देखो सोशलिस्ट ब्लॉक सिस्टम में पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था ये सिस्टम कैसा था अथॉरिटेरियन ठीक है मतलब कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे रेगुलेशन थी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन थी नॉन डेमोक्रेसी थी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था और नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी मतलब कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी जैसे अब गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही करना है और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहे या कोई सुझाव देना चाहे वो भी नहीं माने जाते थे मतलब कि वो अपना कुछ भी नहीं उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो कुछ कह भी नहीं सकते है. अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स भी है दे कांट से एनीथिंग तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी जो लोगों को बहुत ही गुस्सा दिला रही थी तो वो क्या करते थे वो कुछ नहीं बोल पाते थे तो एक्सप्रेस देर प्रॉब्लम्स थ्रू जोक्स जोक के थ्रू कार्टून के थ्रू पोएम्स के थ्रू ये क्या करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते थे इनके थ्रू वो वैसे तो डायरेक्टली नहीं बोल पाते लेकिन इनडायरेक्टली वो इनके थ्रू अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते थे अपना जो भी वो बोलना चाहते इनके थ्रू एक्सप्रेस करते थे ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी हैड डोमिनेंस ओवर ओवरऑल All institution. उनका जो कंट्रोल था हैड कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी का सभी इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल था वो अब देखो जब जो कोई ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो अपनी मनमानी करने लग जाता है तो इस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना तो वो वो, उस वो यही कर रही थी मतलब वो पावरफुल थी तो वो क्या कर रही थी वो लोगों को जवाब दे ही नहीं थी मतलब कि वो अनअकाउंटेबल थी अगर उसने कुछ भी कुछ भी कहीं पे भी खर्च किया कुछ भी किया है कोई भी कोई नई पॉलिसी चलाई है उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता होता था उनको लोगों को ये नहीं पता कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कैसे जा रहा है क्या हो रहा है द पार्टी वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल लीडर्स जो थे वो धीरे धीरे करप्ट होते जा रहे थे करप्टेड वो अपनी जेब भरने में लग रहे थे जो भी रिफॉर्म्स चाहिए थे जैसे एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए था एग्रीकल्चर में रिफॉर्म चाहिए था इंडस्ट्री में रिफॉर्म चाहिए था कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे विद द टाइम ठीक है कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे वो पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी का पावरफुल होने की वजह से वो अनअकाउंटेबल हो रही थी ठीक है और लीडर्स करप्ट हो रहे थे ये सिनारियो चल रहा था यूएसएस मैं आपको एक चीज बताऊंगी कम्युनिस्ट पार्ट जो यूएसएसआर है उसमें रशिया और चौदह कंट्रीज और आती है ठीक है आती थी रशिया और चौदह कंट्रीज आती थी और लेकिन उसमें डोमिनेंस जो होता डोमिनेंस जो था वो रशिया का ही था वो दूसरी कंट्रीज को निग्लेक्ट दूसरी कंट्रीज अपने आप को निग्लेक्ट समझती थी ज्यादातर क्या था रशिया को ही डोमिनेंस था रशिया का डोमिनेंस था ठीक है जो कम्युनिस्ट पार्टी थी डिड नॉट रेकोग्नाइज द डिमांड ऑफ पीपल वो रेकोगनाइज ही नहीं करती कि लोगों की क्या डिमांड है उनको था कि जो हम कर रहे हैं दट इज ऑल दैट इज ऑल गुड वही सारी चीजें ठीक है जो लोग डिमांड करे इट्स ऑल यूजलेस समझ आया वो लोगों की डिमांड्स पे बिल्कुल भी नहीं सोचते थे अब इफ कम अगर हम ध्यान रखें अगर हम कंपेयर करें यूएसए के साथ अगर हम यूएसए के साथ कंपेयर करें किसको कंपेयर करें यूएसएसआर को तो क्या मैचेस क्या कंपैरिजन कर सकते हैं देखो आर्म्स रेसेस पे देखा जाए तो यस yes, वो इक्वली मैच हो रहे थे मतलब आर्म रेसेस वेपन्स कलेक्शन और मिलिट्री देखा जाए तो टोटली uh, मैच totally हो रहे थे मतलब वो उसका मुकाबला कर सकती थी लेकिन अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए तो इसकी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी किसकी यूएसएसआर की बैकवर्ड थी ठीक है यूएसएसआर की बैकवर्ड थी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था अगर हम यूएसए से कंपेयर करें जो सिटीजन्स थे यूएसए में बहुत खुश थे उनकी जो भी गवर्नमेंट थी वो फुलफिल कर रही थी सारी जो भी उनकी नीड्स थी उनकी एस्पिरेशन थी लेकिन इधर जो सिटीजन बिल्कुल खुश नहीं थे नॉट फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन जो वो डिमांड कर रहे थे वो चीजें पूरी नहीं हो रही थी ठीक है सोवियत इन्वेजन अब क्या हुआ था नेक्स्ट एक और फैक्टर है सोवियत जो इन्वेजन सोवियत ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे 1979 में जिसकी वजह से सोवियत का बहुत लॉस हुआ था वो वीक पड़ गया था क्या हो गया था वीक हो गया था और उसके बाद ये पॉइंट्स याद रखेंगे उसमें क्या हुआ था कंज्यूमर जो गुड्स थे वो भी उसके पास खत्म होते जाते उनकी शॉर्टेज हो गई थी ठीक है उसकी शॉर्टेज हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें इम्पोर्ट्स करना इम्पोर्ट करना पड़ रहे थे ये ठीक है इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे और इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से मनी क्या था वो बाहर जा रहा था ठीक है मनी गोइंग आउटसाइड ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था बाहर जा रहा था करेंसी बाहर जा रही थी ठीक है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भी कम होती जा रही थी वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही लोअर लो low होती जा रही थी टेक्नोलॉजी ठीक है अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या आ गया था इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ता जा रहा था और धीरे धीरे नाइनटीन तक वो स्टैगनेंट हो गया था ठीक है रुक गया था बिल्कुल ही रुक गया था तो अब एक बार देखेंगे ये सारा हमने पढ़ा कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स अराइज कहाँ से हुई लोगों के पास जब इतने पॉइंट्स थे मतलब जो हमने पहले पढ़े ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे इसको देखते हुए तो नहीं लगता कि लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए इतना सारा डेवल मतलब ये सारे रिसोर्सेज है उसके पास सारा प्रोडक्शन कर रहा है ठीक है इसमें तो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए थी ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ठीक है लेकिन बाद में हमने देखा जो रियलिटी थी सोशलिस्ट ब्लॉक की कि यहाँ पर चल क्या रहा था ठीक है तो इन सब चीजों से क्या हुआ प्रॉब्लम्स हो रही थी अब हम आगे पढ़ेंगे ठीक है आगे का जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है अब भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने देखा एंड टू बायपोलैरिटी में मैंने पहले आपको बायपोलैरिटी के बारे में बताया ठीक है बायपोलैरिटी का एंड कैसे हुआ वो यूनिपोलर सिस्टम में आया ठीक है फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट इंसिडेंस बर्लिन वॉल का मैंने आपको बताया फिर उसके बाद यूएसएसआर के बारे में जो जो चीज़ें हैं मतलब उसका सिस्टम कैसा है वहाँ पर कौन रूल करता है सारी चीजें मैंने आपको बताई फिर उसके इकोनॉमिक फीचर्स बताए मैंने आपको यूएसएसआर के ठीक है ये सारे इकोनॉमिक फीचर्स मैंने बताए जो कि हमें बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में फिर हमने देखा नेक्स्ट इज़ सोशलिस्ट ब्लॉक के जो सिस्टम है जो पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन कैसा है उधर का सिस्टम वहाँ के नॉन डेमोक्रेसी थी वो सब पढ़ा हमने फिर हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें जो कि मतलब डिसइंटीग्रेशन का बाद में रूप लेगी मतलब कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करे वो हम पढ़ेंगे और भी वास्ट में पढ़ेंगे ये मेरी नेक्स्ट वीडियोज में हम ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे एक बार और हम आगे भी चलेंगे सो प्लीज स्टे ट्यून विद स्टडी स्मार्ट वाला फॉर मोर वीडियोस हैप्पी लर्निंग विद लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर चैनल ओके एंड टेक केयर विल मीट सून